पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान हिंदू और ईसाई लड़कियों को चीन में नौकरानी बताकर बेच देता है। इतना ही नहीं, वहां ले जाकर इन लड़कियों को जबरदस्ती चीनी पुरुषों के साथ शादी करनी पड़ती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों में चीन की भागीदारी होने का ये आरोप अमेरिकी डिप्लोमेट सैमुअल ब्राउनबैक ने लगाया है। जबरन शादी, सैमुअल के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को चीन के लोगों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि चीन में दशकों से लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से महिलाओं की संख्या वहां पर काफी कम है, इसलिए चीन में महिलाओं की मार्केटिंग की जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इन अल्पसंख्यक महिलाओं के पास ना तो मददगार होते हैं और ना उनके आर्थिक हालात उन्हें ऐसा करने से बचा पाते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से घिनौने स्तर पर भेदभाव किया जाता है। बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में 10 ऐसे देशों की लिस्ट जारी की थी जिनमें धार्मिक आजादी नहीं है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा उसका दोस्त चीन भी शामिल है, क्योंकि चीन में भी उइगर मुस्लिमों का मामला लंबे वक्त से चला आ रहा है। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को भी इस लिस्ट में रखने का सुझाव दिया था। इसकी वजह भारत का हालिया कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बताया गया, लेकिन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ये मांग ठुकरा दी। सैमुअल ने कहा, हम भारत के हालात पर भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। दुनिया में ईशनिंदा के जितने मामले सामने आते हैं उनमें से आधे पाकिस्तान से हैं।